स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास 10th का हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग, इसी चैप्टर के हम आगे के टॉपिक्स को आज जानेंगे। इससे पहले कि आपने हमारे वीडियोस अगर देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको यह बतलाया था कि पावर शेयरिंग की दो अरेंजमेंट मैंने आपको इससे पहले बताया था, वो थे हॉरिजॉन्टल और दूसरा था वर्टिकल। आज हम लोग पावर शेयरिंग के थर्ड और फोर्थ फॉर्म्स पढ़ेंगे। थर्ड फॉर्म्स में आपको आता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और फोर्थ फॉर्म जो है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो आज जो है हम लोग जो पढ़ेंगे पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में। तो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का मतलब ये हुआ कि हमारे समाज में जो रह रहे जो लोग जो हैं उनको पावर शेयर किया जा रहा है। मतलब समझिएगा, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स मतलब ये कि समाज में रह रहे अलग अलग समूह के लोगों को भी पावर दिया जा रहा है। ये समूह कौन है? तो भारत जैसे देश में आप समझिए कि हमारा जो सोसाइटी जो है ये मिक्सचर है अलग अलग भाषा के लोगों का, अलग अलग धर्म के लोगों का, पिछड़े दलित लोगों का। तो हमने क्या किया, इन्हें पावर को शेयर किया। तो इसको सबसे बढ़िया एग्जांपल आप जरा समझिए कम्युनिटी गवर्नमेंट का। बेल्जियम ने क्या किया था? बेल्जियम ने पावर शेयर किया अपने यहाँ के सोशल ग्रुप्स को, जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट के तौर पर बना। हर कम्युनिटी का एक क्या होगा, गवर्नमेंट हो। तो वहां की कम्युनिटी गवर्नमेंट ने क्या किया, एजुकेशन, लैंग्वेज, कल्चर, इन सभी से जुड़ा हुआ फैसला लेने का अधिकार कम्युनिटी गवर्नमेंट को था। वैसे ही हमारे देश में भी संविधान और कानून में प्रोविजंस के जरिए हमने क्या किया, पिछड़े और दलित लोगों को जो है अपने साथ सरकार में जोड़ने का काम किया। यानी हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मेथोडोलॉजी को फॉलो किया। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसके बारे में क्लास 9th में आपको बताया गया है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है एक बार फिर से जान लेते हैं। देखिए, हमारे देश में SC और ST कास्ट के जो लोग जो रह रहे हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें जो है वो लेजिस्लेचर में रिजर्व कर दी गई। सिर्फ लेजिस्लेचर में ही नहीं बल्कि आपको इंस्टीट्यूशंस में भी, संस्थाओं में भी, एडमिनिस्ट्रेशंस में भी। तो हमने क्या किया, उनकी जितनी आबादी है देश में उस आबादी के आधार पर हमने सीट रिजर्व कर दिया। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हमने महिलाओं के साथ भी किया। महिलाओं के लिए भी हमने क्या किया, स्पेशल प्रोविजन बनाए जिसके तहत 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व कर दिया गया। अब इससे क्या होगा कि उन्हें भी लेजिस्लेचर में, चाहे वो हमारा लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायती राज हो, इन सभी जगहों पर क्या किया गया, सीट जो है वो रिजर्व कर दिया गया। यानी 3 में से 1 सीट जो होगा वो कितना होगा, क्या किसका होगा, महिलाओं का होगा। ठीक है, तो ये 1/3 सीट्स का जो है मेथोडोलॉजी अपनाया गया। तो ये कैसे किया गया, संविधान और कानून के जरिए हमने क्या किया, इन स्पेशल प्रोविजंस को अपनाया ताकि हम पावर इनको शेयर कर पाए। ऐसा ही हाल हमारे देश में माइनॉरिटीज का भी है, अल्पसंख्यकों का। अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के आधार पर हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हें भी जो है फेयर चांस देते हैं। यानी उनकी संख्या के आधार पर उन्हें भी मौका दिया जाता है, उन्हें भी जो है आपको रिजर्वेशंस के तहत लाया जाता है, उन्हें भी जो है आपको लेजिस्लेचर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, जगह दी जाती है। तो ये जो है ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है। इसमें पूरी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से समाज में रह रहे अलग अलग लोगों को हमने क्या किया है, हमने सरकार में हिस्सेदारी दी है, उन्हें इस तरीके का महसूस नहीं होने दिया है कि दैट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, उन्हें अपने साथ जोड़कर हमने रखा है ताकि उन्हें यह एहसास हो कि वो भी शासन के ही एक क्या है,
अंग हैं, यानी उन्हें शासन से बेदखल नहीं किया गया है, उन्हें भी शासन में हिस्सेदारी दी। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में बात करेंगे। फोर्थ फॉर्म जो ऑफ पावर शेयरिंग में ये बतलाया गया है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के बारे में, कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो आपको पॉलिटिकल पार्टीज में भी दिखता है, मूवमेंट्स में भी दिखता है और साथ ही साथ प्रेशर ग्रुप्स में भी दिखता है। तो सबसे पहले आप इसके मतलब को समझिए, यानी पावर शेयरिंग जो है यानी सत्ता की साझेदारी का एक रूप हमें दिखता है राजनीतिक पार्टियों में, हमें दिखता है दबाव समूहों में, हमें दिखता है आंदोलनों में। तो समझते हैं जरा एक एक करके। देखिए राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोई भी लोकतांत्रिक देश जो होता है वहां पर नागरिकों को अधिकार होता है राजनीतिक पार्टियों को चुनने का, अपनी जो है जो उन्हें लगता है कि यह पार्टी अच्छी है उसको लोग चुनते हैं। बहुत सारी पार्टियां होती हैं, उनमें से एक पार्टी कोई जीतता है और बहुत सारी पार्टियों के बीच में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, कॉन्टेंडर्स जिसे हम लोग कहते हैं या कंपटीशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि राजनीतिक पार्टियों में ही आपस में प्रतिस्पर्धा होती है और यहाँ पर वो वही पार्टियां हैं जिन्हें लगता है कि नहीं भाई हम जो है वो पावर में आ जाएंगे, यानी प्रतिस्पर्धा बनी हुई रहती है किसके बीच में, राजनीतिक पार्टियों के बीच में। ठीक है, दे आर द सीरियस कंटेंडर्स ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। तो यहां राजनीतिक पार्टी के बारे में समझना है, जिसमें मैंने अभी ये बताया कि आपको राजनीतिक पार्टियां जो है वो बहुत सारी हैं। अब ये जनता को फैसला करना है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है वो जो है अच्छी है जिसे वो चुनकर सरकार में ले जाएंगे। अब क्या होता है कि कभी कभी ये राजनीतिक दल जिनकी विचारधारा अलग होती है, जो कि अलग अलग सामाजिक वर्ग से आते हैं, ये भी क्या करते हैं, अलायंस बना लेते हैं। जैसा कि अलायंस आपने देखा एनडीए यूपीए, ये दो भारत के सबसे बड़े अलायंस हैं। ये जो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो प्रतिस्पर्धा जो होती है ना, इससे ये सुनिश्चित होता है कि पावर शुड नॉट बी इन वन हैंड। मतलब ये कि किसी एक राजनीतिक दल के ही हाथ में हमेशा पावर नहीं रहे, जैसे कि भारत में लंबे समय तक किसके हाथों में पावर रहा है, कौन से दल के, कांग्रेस। ठीक है, तो ये प्रतिस्पर्धा जो है ये सुनिश्चित करता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि भाई पावर जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगा, जनता हर पार्टी को क्या करेगी, मौका देगी। ठीक है, जो कि उन्हें लगे कि यह पार्टी उनके बेहतरी के लिए उनके अच्छे के लिए पॉलिसीज बनाएगा। तो हम अलायंस की बात कर रहे थे, अलायंस में जान लीजिए यूपीए और एनडीए। ठीक है, यूपीए जो है ये भी एक अलायंस है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके साथ क्या है बहुत सारी पार्टियां मिली हुई है। ठीक है, अब इसके बाद जानिए इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स का मतलब होता है दबाव समूह, ठीक है, या प्रेशर ग्रुप्स भी कहते हैं, जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन गवर्नमेंट के फैसलों में जो है ना ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप जरा देखिए एग्जांपल्स के जरिए। देखिए भारत में अलग अलग जगहों पर बिहार से गए हुए प्रवासी मजदूर जो हैं वो रह रहे हैं, अलग अलग जगहों पर क्या किया गया इन प्रवासी मजदूरों के द्वारा जो है स्ट्राइक किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण वह सरकार मजबूरन उन्हें भेजने के लिए रेल की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ी। तो यहां आप देखिए कि साफ तौर पर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसीज में बदलाव लाया। ठीक है, तो ये सोशल ग्रुप्स ही हैं एक तरीके से, इन ये भी एक सोशल ग्रुप ही के एलिमेंट हैं, पार्ट हैं। ये जो दबाव समूह जो है प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स, जो कि अपने हितों के लिए काम करते हैं, डायरेक्ट ये गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन गवर्नमेंट के फैसलों को क्या करते हैं,
जो सरकार के फैसले जो हैं उनके ऊपर दबाव बनाते हैं ताकि गवर्नमेंट जो अपने पॉलिसीज में क्या करे, कुछ बदलाव करे। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं ना, अलग अलग जो है समाज के वर्गों का होता है। जैसे मान लीजिए कोई उद्यमी है, ठीक है, व्यापारी है, उसका एक अलग ग्रुप होगा। अब कोई किसान है तो किसानों का एक अलग समूह होगा। कोई जो है आपको मजदूर है, श्रमिक है, तो उसका एक अलग समूह होगा। अगर शिक्षक है तो शिक्षक का एक अलग यूनियन होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। तो इसी तरीके से ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है ना काम करता है। इनके साथ और अन्य पार्टियां भी जुड़ जाती हैं इनके साथ देने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इन लोगों को भी क्या किया गया, पावर शेयर किया गया है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट वे में पावर यहां शेयर है। ठीक है, एक बात और देखिए, मैंने आपको अलायंसेस के बारे में बताया था। तो ये अलायंस बनाने का फायदा क्या था, अलायंस बनाने का फायदा ये कि अगर मान लीजिए अगर किसी एक व्यक्ति को जो है, किसी एक पार्टी को जो है पूर्ण तौर पर बहुमत नहीं मिलती है, तो ये अलायंस जो रहेगा ना, इससे वो सरकार आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है जब किसी भी पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है, तो बाद में जाकर जो है वो कॉलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली क्लासेस में नए चैप्टर के साथ एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।